आगे की ओर ले जाऊंगा, क्योंकि मैं इस प्लांट को ऐसा बनाना चाह रहा हूँ फ्रेंड्स, इसको लंबा ऐसा करना चाह रहा हूँ ऐसा, इसलिए कुछ कुछ जो ब्रांच है इस। तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब, हमारे YouTube चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज के वीडियो में फ्रेंड्स हम बनियान ट्री पे बताएंगे, आज बनियान ट्री का हम बोनसाई बनाने का तरीका आप लोग को बताएंगे। ये जो बोनसाई, ये जो प्लांट देख रहे हैं अभी बोनसाई नहीं बना है फ्रेंड्स, ये इसको हमने हंटिंग करके, बरसात में हंटिंग करके लाए थे हम, और लाने के बाद एक बकेट में हम इसको लगा दिए थे। तो सबसे पहला बोनसाई में यही काम होगा कि रूट को पहले डेवलप करने दें, ये पहला पार्ट होता है, उसके बाद ही हम ब्रांच पे फोकस करेंगे। तो जब हम इसको लाए थे तो एक बकेट में लगाए, उसके बाद यहाँ से हम कटिंग कर दिए थे। कटिंग करने के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ से और भी ब्रांच निकला, यहाँ हम कटिंग किए तो और भी ब्रांच निकला, वैसा कटिंग हम कर दिए थे जिससे ये घना होता गया। उसके बाद बीच बीच में हम इसका प्रूनिंग किए हैं, पत्ती को कटिंग करते रहे, बड़े बड़े पत्ती को, अभी भी हम बड़े बड़े पत्ती को हटाएंगे और प्रून करके आपको दिखाएंगे और शेप कैसे दें ये सारी जानकारी आप लोग को देंगे। तो अभी तक हम यही स्टेज तक पहुंचे हैं फ्रेंड्स इस बोनसाई में। बरसात जब आएगा तो इसका हम पॉट देंगे इस प्लांट को और बोनसाई बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बड़े बड़े जितने भी पत्ते हैं उसको हम हटा रहे हैं। बार बार प्रूनिंग करने से होता ही है फ्रेंड्स कि पत्ती का साइज छोटा आता है, और बोनसाई में जितना छोटा पत्ती हो उतना ही सुंदर नजर आता है। जब आप ट्री का रूप दे रहे हैं, ट्री बना रहे हैं, तो पत्ते का साइज अगर छोटा हो बोनसाई में तभी वो सुंदर लगेगा। तो आप समय देख के ट्रिम जरूर कीजिएगा, बड़े पत्तियों को हटाते जाइएगा ताकि पत्ती का साइज छोटा हो। और फ्रेंड्स ये ध्यान रखिएगा कि उसका मौसम देखिएगा, कौन से मौसम में प्रून करना है। सबसे अच्छा मौसम बरसात का मौसम होता है, और गर्मी जब चालू होते रहता है, ठंडी जब खत्म होते रहता है, वही मौसम सबसे बेस्ट होता है। फरवरी से अप्रैल तक आप प्रून कर सकते हैं, और ठंड में मत कीजिएगा प्रून। और रिपोर्टिंग का काम भी वही है, मार्च से फरवरी से अप्रैल तक, और बरसात में आप इसका रिपोर्टिंग कीजिएगा, ठंड में मत कीजिएगा और हार्ड गर्मी में मत कीजिएगा। अब आप देख रहे होंगे कि जितना लगभग लगभग जो बड़े पत्ते थे उसको हमने हटा दिया है। अब कुछ कुछ ब्रांच पे हम फोकस करेंगे कि उसको काटने की जरूरत पड़ सकता है। जैसे कि फ्रेंड्स ये वाला ब्रांच अब लंबा हो रहा है, अगर हम इसको यहाँ से काटेंगे तो दो ब्रांच यहाँ से आएगा, क्योंकि जब ये ब्रांच को हमने यहाँ से काटा था तो आप देख रहे हैं दो ब्रांच आया, इसको हमने काटा तो और ब्रांच आया। तो अगर हम इसको यहाँ से कटिंग कर देते हैं तो ऑब्वियसली यहाँ से दो पत्ता, दो ब्रांच निकल जाएगा। इसको हमने यहाँ से काट दिया तो ये और भी घना हो जाएगा, इसको हम यहाँ से काट देंगे तो और भी यहाँ से ब्रांच निकलेगा। यहाँ से तो हो गया, ये वाली ब्रांच को हम देखते हैं, मैं चाह रहा हूँ कि इसको और भी लंबा करें तो इसको भी काटूंगा नहीं मैं, इसको लंबा करके ऐसे ले जाऊंगा। ये भी ठीक है, इसको तो मैं कुछ बाद में सेव दूंगा और इसको लंबा करूंगा, और मैं ऐसा इसको आकृति, ऐसा आकृति देना चाह रहा हूं। और जहाँ जहाँ हमने कटिंग किया है वहाँ वहाँ हम फंगीसाइड लगा दे रहे हैं ताकि ये फंगस न लगे, खराब ना हो। मैं जहाँ जहाँ भी कटिंग करता हूँ फंगीसाइड जरूर डाल देता हूँ जिससे कोई भी ब्रांच खराब नहीं होता है।
तो फ्रेंड्स हम सारा पत्ती जो बड़ा बड़ा था उसको हमने हटा दिया है, और जहाँ पे ब्रांच कटिंग करना था उसको हमने कर दिया है। अब आज का वीडियो इतना ही दोस्तों, अब नेक्स्ट जब हम इसको रिपोर्ट करेंगे, इसको जब पॉट देंगे बरसात के समय में, तब इसका अपडेट हम जरूर देंगे, इस बोनसाई का, बनियान ट्री का, बोनसाई का सॉइल कैसे बनाएंगे, सारी जानकारी हम देंगे फ्रेंड्स। तो आज का वीडियो इतना ही, वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, और इस चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आने वाला वीडियो आप लोग आप तक मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।